नमस्कार दोस्तों, डिजिट हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको वन प्लस एक्स स्मार्टफोन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यहाँ हमारे पास ये फ़ोन एनॉक्स वर्जन में मौजूद है। इस फ़ोन में दोनों तरफ ग्लास बैक दी गई है, हालांकि ये गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है। फ़ोन के साइड में मेटल दिया गया है। ये स्मार्टफोन बहुत ही कॉम्पैक्ट है। ये सिर्फ 6.9 मिलीमीटर थिक है और इसका वज़न 138 ग्राम है, जो कि ठीक ठाक कहा जा सकता है। इस फोन में पीछे की तरफ ग्लास दिया गया है, जो कि फ़ोन को काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। और फ़ोन में जो साइड में मेटल डिज़ाइन दिया गया है, वो भी इसके लुक को काफ़ी प्रीमियम फील देता है, काफ़ी बढ़ा देता है। तो ये फ़ोन काफ़ी दिखता काफ़ी सुंदर है। स्मार्टफोन बहुत ही कॉम्पैक्ट है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। इसे आप एक हाथ में रखकर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी पॉकेट में भी बड़ी आसानी के साथ चला जाएगा। हालांकि इसमें 5 इंच की डिस्प्ले दी गई है। इतनी बड़ी डिस्प्ले होने के बावजूद भी ये फ़ोन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इसका फॉर्म फैक्टर अच्छा है। चलिए अब इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो इसमें एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। ये डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है। इस डिस्प्ले पर आपको काला रंग बहुत ही बढ़िया नज़र आता है और बाकी रंग भी जो है वो काफ़ी बढ़िया हैं। अगर इस फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो इसमें स्नैपड्रैगन 801 चिपसेट, जो कि बढ़िया तो है लेकिन मार्केट के हिसाब से पुराना हो चुका है, कंपनी ने आपको दिया है वैसे ही, तो ये प्रोसेसर आपके सारे काम कर देगा, लेकिन ये प्रोसेसर फ्यूचर प्रूफ नहीं है। फ़ोन पर हमने गेमिंग करके देखी तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई, गेमिंग बड़े है आराम से हो जाती है। हालांकि कभी कभी थोड़े बहुत लैग्स जरूर, कुछ कमियां आ जाती हैं गेमिंग करते समय, कुछ परेशानी हो जाती है। ये फ़ोन एंड्रॉयड लॉलीपॉप पर आधारित ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। अगर फ़ोन में मौजूद 13 मेगापिक्सल के रेयर कैमरे के बारे में बात करें, तो ये काफ़ी तेज़ है और शानदार तस्वीरें लेता है। इसका कैमरा बहुत ही बढ़िया है। कैमरे से जो तस्वीरें आप लेते हैं, उनकी जो रंगों की डिटेल्स हैं, वो बहुत ही बढ़िया दिखाई देती हैं। फ़ोन में 2525 mAh की बैटरी दी गई है। ये बैटरी हमें थोड़ी कम लगी। ये फ़ोन आपको पूरे एक दिन तक बैकअप दे देता है। ये सिर्फ आपको 10 घंटे तक का बैकअप देता है। स्मार्टफोन में 2525 mAh की बैटरी दी गई है। ये बैटरी थोड़ी कम नज़र आती है। ये फ़ोन आपको पूरे दिन तक बैकअप नहीं देता है, ये सिर्फ आपको 10 घंटों तक का ही बैकअप देता है। लेकिन जब आप इस पर गेमिंग शुरू करते हैं, तो ये सिर्फ 6 से 7 घंटे तक ही आपको बैकअप देता है। ये बैटरी बढ़िया तो है लेकिन शानदार नहीं है। इस फोन में 16 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जो कि ठीक ठाक कही जा सकती है। हालांकि स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से तो सभी फोन्स में कम से कम 32 GB की इंटरनल स्टोरेज तो आनी ही चाहिए। जाते जाते बता दें कि इस फोन में आपको कुछ खास नहीं मिलता है, इसके स्पेक्स कुछ खास नहीं है। हालांकि इस फोन का कैमरा और डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है। अगर आप एक अच्छा डिवाइस चाहते हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम दिखता हो, तो आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वन प्लस एक्स स्मार्टफोन का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे YouTube चैनल डिजिट हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर भी लाइक कीजिए, हमारा Facebook पेज है डिजिट हिंदी। आप हमें Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा Twitter हैंडलर है डिजिट हिंदी। नमस्कार।